मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर एजरा देखते हैं जो अपने जॉब पर थी। उसे जॉब अच्छी नहीं लगती थी, उसे एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में एक अच्छा कॉपीराइटर बनना था और उसका एग्जिस्टिंग जॉब उससे रिलेटेड था नहीं। आज रात उसकी फ्रेंड की वेडिंग थी जिसके लिए लेट हो जाती है। वहाँ पर उसकी सारी फ्रेंड्स मिलकर उसे रेडी करती है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। उसकी दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है दीदेम और दूसरे का नाम है जैनब। जैनब की आज शादी हो रही थी। शादी के बाद सब लोग डिनर टेबल पर थे, तभी एजरा का बॉयफ्रेंड जिसका नाम है ओगोस ये अभी तक वहाँ पर आया नहीं था। दीदेम एजरा से कहती है कि हमेशा की तरह तुम्हारा बॉयफ्रेंड आज भी तुम्हें बहाना बना देगा, उसका ब्रदर उसकी गाड़ी लेकर गया था और इसी वजह से लेट हो गया। थोड़ी देर में ओगोस वहाँ पर पहुँचता है और वो वही बहाना देता है। वो हमेशा हर एक चीज़ के लिए कंप्लेंट करता रहता है। वो एजरा का ड्रेस देखता है और कहता है कि तुम्हें सूट नहीं कर रहा, इसमें तुम बहुत ओल्ड लग रही हो। यहाँ पर एजरा और दीदेम ने अपने फ्रेंड्स को नोटिस किया जिनकी शादी हो गई थी और अब वो अमीर बन गई थी। सब लोग डांस कर रहे थे तो ओगोस दीदेम को लेकर जाता है। एजरा अच्छी नहीं दिख रही थी, इसी वजह से उसके साथ वो डांस नहीं करना चाहता था। एजरा इस बारे में उसे बात भी करती है पर फिर भी उसके साथ वो डांस नहीं करता। एजरा फिर वॉशरूम जाती है। उसकी क्लासमेट्स अंदर आए, वो एजरा को देख नहीं सकती थी और कहती कि एजरा का बॉयफ्रेंड कैसा है, वो तो बहुत ही स्मार्ट थी, इससे तो उसे बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड मिल सकता था। एजरा को ये सब बातें बहुत ही सैड कर देती है। वो अगले दिन काम पर थी और उसकी बॉस उसे इंसल्ट करने लगती है, हर एक चीज़ से तंग आकर वो खुद रिजाइन कर देती है। इसके बाद एजरा अपने बॉयफ्रेंड ओगोस से मिलने के लिए गई। उसे अपने जॉब के बारे में बताती है। वो कहता है कि तुम्हें इस तरीके से क्विट नहीं करना चाहिए था, आजकल जॉब मिलना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। वो पूछता है कि तुमने आखिर जॉब छोड़ा क्यों। ओगोस कहती है कि मुझे कॉपीराइटर बनना है, एक एडवर्टाइजिंग फर्म में काम करना है। ओगोस कहता है कि तुम्हें कोई भी टैलेंट नहीं है, तुम्हें कभी भी कर नहीं पाओगी। इस बात से एजरा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उसे ब्रेकअप कर लेती है और वहाँ से चली गई। अपने नए फ्यूचर के लिए होपफुल थी। रात में अपने फ्रेंड्स के साथ वो बाहर घूमने के लिए आई हुई थी। वहाँ पर दो लड़के आए जो बहुत ही हैंडसम थे, एक का नाम था मर्ड और दूसरे का नाम था केम। केम एक एक्टर था। एजरा कहती कि थोड़े टाइम के लिए मैं किसी भी आदमी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हें इस ब्रेकअप फेज में नहीं घुसना चाहिए। वो कहता है कि तुम मर्ड की तरफ देखो और उसे एक अच्छा सा लुक दो। एजरा वैसा ही करती है। इसके बाद सब लोग ड्रिंक्स कर एंजॉय करते हैं। एजरा और दीदेम बाहर आए पर दीदेम को अंदर कुछ काम था तो चली जाती है। एजरा बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी। वो कार के पास आती है तो उसकी कार और मर्ड की कार दोनों सेम थी। वो मर्ड की कार में बैठ जाती है। उसका हैंड ब्रेक पर हाथ पड़ गया और गाड़ी नीचे जाने लग गई। मर्ड और केम मिलकर दोनों उस गाड़ी को बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे कर वो गाड़ी के पास आ गए। मर्ड उसे गाड़ी से निकाल रहा था तो ये दीदेम देखती है। उसे लगता है कि मर्ड और केम ये एजरा का एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो डायरेक्टली केम को मारने लग जाती है। उसे सब कुछ समझाते हैं और उसे एजरा को दे देते हैं। मर्ड ने एजरा को उठाकर उसकी गाड़ी में छोड़ दिया। अगली सुबह दीदेम जैनब को मिस कर रही थी। जैनब का हस्बैंड बहुत ही स्वीट था, उसे बेड में ब्रेकफास्ट भी लाकर देता है। वो दोनों ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं तो वह न्यूज़पेपर में दीदेम ने केम को देखा। उसे पता चलता है कि केम एक एक्टर है। इस बात से वो बहुत ही एक्साइटेड हो गए। रात में दीदेम और केम जब साथ में चल रहे थे तो रिपोर्टर ने लिखा कि ये मिस्टीरियस लेडी कौन है जिसे केम डेट कर रहा है। इसके बाद 5 महीने गुजर जाते हैं पर फिर भी दीदेम उसी के बारे में पढ़ रही थी। दीदेम को लग रहा था कि केम का इस तरीके से उसकी लाइफ में आना ये एक साइन है। एजरा अभी भी अपना जॉब ढूंढ रही थी तो उसे एक जॉब के लिए कॉल आ जाता है। वहाँ पर वो इंटरव्यू के लिए गई पर एक रॉन्ग डोर से अंदर आ जाती है। वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में मर्ट ही अपना प्रेजेंटेशन दे रहा था। वहाँ की एडवर्टाइजिंग एजेंसी का वो क्रिएटिव लीड था। एजरा गलती से उनकी मीटिंग में आ जाती है। क्लाइंट को कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही थी पर जो चीज़ एजरा बताती है ये क्लाइंट को बहुत अच्छा लगता है। उसके टैलेंट को देखकर यहाँ पर उसे जॉब मिल जाता है। एजरा अपने जॉब के बारे में अपनी मदर को बताती है पर मदर उसे यही पूछती है कि तुम शादी कब करने वाली हो। एजरा ने फिर फ़ोन रख दिया। दीदी मुझसे कहती कि मर्ड तो बहुत ही हैंडसम है, उसके साथ तुम्हारा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। एजरा कह रही थी कि मुझे मेरे करियर पर फोकस करना है। दीदी अब पूरी तरीके से केम के प्यार में थी, उस पर उसने एक फाइल भी बनाई थी। नेक्स्ट सीन में हम मर्ड केम और ईगित ये तीनों फ्रेंड्स को देखते हैं। इनमें से ईगित हर एक लड़की के पीछे रहता था। क्या हम उसके लिए ज़रा वरीड था कि ईगित ऐसा करता क्यों रहता है। ईगित को आज एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आई थी पर उसे वो भाव नहीं देती थी। मर्ड खुद उस लड़की के पास गया और ईगित के लिए नंबर लेकर आता है। नेक्स्ट सीन में दीदेम एजरा को बता रही थी कि क्यों केम उसके लिए परफेक्ट है। उस बुक में लिखा गया था कि किस तरीके से लड़कों को तुम्हारे प्यार में गिराए। बुक में लिखा था कि लड़कों के पीछे नहीं भागना चाहिए, उन्हें ज़रा मिस्टीरियस लड़की पसंद है, वो एक चैलेंज की तरह लगना चाहिए। रात में एजरा भी मर्ड के बारे में सोच रही थी। अगले दिन जब वो काम करती है तो मर्ड को ही देखती रहती है। उस दिन उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। क्लाइंट को एजरा और मर्ड का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा लगता है। वो दोनों अलग अलग यूनिक पर्सपेक्टिव देते थे।
एज्रा को मर्ट अब बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया था और यही बताने के लिए दीदेम को कॉल कर दिया। बात करते करते उसने देखा कि मर्ट से मिलने के लिए आज यहाँ पर केम आया हुआ है। इसके बारे में वो दीदेम को बताती है। दीदेम इस बात से बहुत ही एक्साइटेड होके वो अपने और अपनी फ्रेंड्स की सारी पेंटिंग्स लेकर डायरेक्टली उसके ऑफिस में आ जाती है। इजित मर्ट के लिए फोटोग्राफी का काम करता था, वो सही से कर नहीं रहा था तो इसी वजह से मर्ट उसे बहुत डांटता है। अब जब केम वहाँ से जा रहा था तो दीदेम ऐसा प्रिटेंड करती है कि उस पर उसका ध्यान नहीं है और उससे वो टकरा जाती है। पेंटिंग उठाने में केम उसकी मदद करता है। वो कहता है कि हम दोनों मिल चुके हैं। दीदेम ने प्रिटेंड किया कि वो उसे जानती ही नहीं है। वो उसे कहता है कि उस रात हम पार्किंग में मिले थे। दीदेम के पीछे बहुत सारी लड़कियाँ रहती थी पर केम जिस तरीके से उसे इग्नोर कर रही थी, वो कहता है कि तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत ही ब्यूटीफुल है, मुझे भी ड्रॉ करना अच्छा लगता है पर मैं कर नहीं पाता, क्या तुम मुझे ड्रॉ करना सिखाओगी? दीदेम कहती कि मुझे टाइम नहीं रहता। वो एज्रा से एक प्ले के बारे में बात करने लग गए। केम कहता है कि मैं भी उस प्ले में आने वाला हूँ। दीदेम ने फिर से प्रिटेंड किया कि उसे जानती ही नहीं है। वो जो ट्रिक्स यूज़ कर रहे थे इस सब के बारे में वो जैनब को बताते हैं। जैनब कहती कि अगर ऐसी ट्रिक तुम यूज़ करती रहोगी तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, सब कुछ हाथ से चला जाएगा। रात में मर्ड केम और इजित बाहर आए हुए थे। केम को कुछ लड़कियों ने हाई किया पर उनमें इंटरेस्टेड नहीं था। वो कहता है कि मैं एक लड़की से मिला जो बहुत ही अमेजिंग है। मर्ड को लगता है कि शायद उससे प्यार करने लग गया है। केम कहता है कि आगे देखा जाएगा कि होगा क्या। जब एक फोटोशूट चल रहा था तो मर्ड एज्रा से बात करने के लिए आया। वहाँ पर उसकी कलीग आती है और कहती कि आज रात की पार्टी में मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी, वो उसकी डेट थी। मर्ड फिर एज्रा से पूछता है कि आज रात क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो। एक ऑफिस पार्टी थी तो एज्रा मान जाती है। वो फिर अच्छे से रेडी हो रही थी। दीदेम ने उसका ड्रेस देखा और उसे कहती कि ये ड्रेस नहीं चलेगा, उसे अच्छा सा मेकओवर देती है। मर्ड की एस नाम की गर्लफ्रेंड थी, उसे कॉल करता है पर हम देख सकते हैं कि एस होटल में किसी और के साथ थी। उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। मर्ड को थोड़ा सा उस पर शक चला गया था। शाम में फिर मर्ड एज्रा को लेने के लिए आता है, उसे कॉल कर बुलाता है पर दीदेम कहती है कि तुम्हें उसे ज़रा वेट करवाना चाहिए। थोड़ी टाइम वेट करने के बाद एज्रा से रहा नहीं गया और वो मर्ड के पास चली गई। वो दोनों फिर कार में बैठते हैं। एज्रा इमेजिन कर रही थी कि मर्ड उसके लिए कितना परफेक्ट है, उसी कार को एज ए वेडिंग कार भी देखती है। इसके बाद वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल से रेस्टोरेंट पर आए। डिनर पर वो बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। एज्रा ने मर्ड के हाथों पर एक स्कार देखा, वो पूछती है कि ये कैसे हुआ है। मर्ड कहता है कि मैं बचपन से ही ऊंचाइयों को छूना चाहता था, एक पेड़ पर चढ़ा था और उसे नीचे गिरकर मुझे चोट लग गई थी। डिनर के वक्त वहाँ पर एज्रा का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है, उसकी अब एक न्यू गर्लफ्रेंड थी। वो एज्रा से कहता है कि मेरी न्यू फियांस है, आजकल तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हें तो शायद जॉब भी नहीं होगी। एज्रा कहती कि मैं एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में अब कॉपीराइटर हूँ। ओगुस ने कहा कि एक पागल ही होगा जो तुम्हें हायर करेगा। मर्ड कहता है कि एज्रा बहुत टैलेंटेड है। इसके बाद वहाँ से चला गया। एज्रा के सामने ओगुस और उसकी फियांसे दोनों डांस करते हैं। ये बाद में बहुत ही वियर्ड डांस बन गया था। ये सब देखकर एज्रा थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। उनके जाने के बाद मर्ड एज्रा के पास आया। वो कहता है कि तुम सैड हो, हम दोनों को मिलकर डांस करना चाहिए। वो दोनों फिर स्लो डांस करते हैं। मर्ड को अच्छा सा डांस आता नहीं था पर फिर भी उसके लिए वो कर रहा था। जिस क्लब के बारे में दीदेम ने कैम के साथ बात की थी उस पर उसका वेट कर रही थी। वो अब तक यहाँ पर पहुँचा नहीं था तो इसके लिए वो ज़रा वरीड हो गई थी। कैम अपने फ्रेंड के साथ किसी और ही क्लब में जाता है। वहाँ पर इजित की गर्लफ्रेंड उन्हें देखती है जो किसी और के साथ थी। इस बात पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो कैम को कहता है मेरी गर्लफ्रेंड इस आदमी के साथ क्यों है, ये तो कोई आर्टिस्ट टाइप का लग रहा है, वो उसे कुछ भी नहीं दे सकता। वो जाकर उस आदमी से बात करने लग गया, वो एक्चुअल में आर्टिस्ट ही था। उन दोनों के बीच में फिर बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, उन्हें क्लब से निकाल दिया गया। वो गुस्से में फिर अलग क्लब में चले जाते हैं। डिनर के बाद मर्ड एज्रा को घर छोड़ने के लिए आया। दीदेम बाहर थी और एज्रा अपने घर की चाबी भूल गई थी, इसी वजह से अब अंदर नहीं जा सकती थी। दीदेम अपना कॉल नहीं उठा रही थी। मर्ड एज्रा से कहता है तुम मेरे घर पर चल सकती हो, थोड़े टाइम वहाँ पर वेट कर लो। दीदेम केम का वेट करते करते ड्रंक हो गए और फिर वो डांस करने लगती है, वहीं पर वो गाना भी गाती है। थोड़ी देर में केम वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे देखकर बहुत ही इम्प्रेस था। दीदेम ने प्रिटेंड किया कि अब उसे जाना पड़ेगा। केम का फ्रेंड उसे रोक रहा था और इसी वजह से वो ज़रा बाहर आने में लेट हो गया। दीदेम उसका वेट कर वहाँ से चली जाती है। पैरेलल में एज्रा मर्ड के साथ उसके घर पर आई, उसे अपना घर दिखाता है, उसे ऊपर बुलाता है तो एज्रा ने पहले उसका बाथरूम चेक किया। वहाँ पर नेल पॉलिश रिमूवर नहीं था, दो ब्रश नहीं थे, इसका मतलब है मर्ड की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये देखकर वो खुश हो गए। मर्ड उसके लिए ड्रिंक बनाता है और बाहर आकर इसे एंजॉय कर रहे थे। उसे पूछते हैं कि लाइफ में किस चीज़ से तुम्हें खुशी मिलती है। मर्ड कहता है कि मुझे सक्सेस से खुशी मिलती है। एज्रा ने कहा कि सक्सेस से तो सबको अच्छा लगता है, मैं जब राइट करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
मर्द को अपना काम अच्छा लगता था पर उसे अपना पैशन पता नहीं था। उसे फिर घर में अपनी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, उसे कहता है कि वो बिजी है और फिर से वो बाहर आ गया। उतने टाइम में एजरा ने कैंडल से आग लगा दी थी। वो इसे बुझा लेते मर्द ने एजरा से पूछा, क्या तुम ठीक हो? उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथों में था। वो फिर अंदर आकर दिदेम को कॉल लगाती है, कहती कि मैं मर्द के घर पर हूँ। दिदेम कहती कि इस अपॉर्चुनिटी को तुम्हें उठाना चाहिए, आज कैम के साथ मेरा कुछ हो नहीं पाया तो तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। एजरा मर्द से कहती है कि मेरी रूममेट घर पर आ गई है तो मुझे घर छोड़ सकते हो। मर्द डायरेक्टली उसे किस कर लेता है। वो दोनों फिर किस करते करते ऊपर चले गए। एजरा कहती है कि ये सब करने के लिए हमारी रिलेशनशिप उतनी प्रोग्रेस नहीं हुई है। मर्द इस बात को समझ सकता था। उसे पूछता है, क्या रात भर सिर्फ तुम मेरे साथ रहोगे? वो दोनों फिर साथ में ही सो जाते हैं। रात में एजरा को नींद नहीं आ रही थी। वो दोनों करीब आ गए और फिर इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह होने पर वो बहुत खुश थी। उसके लिए वो एक नोट लिखती है। मर्द फिर उसे उसके घर छोड़ देता है। एजरा को कल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा था और इसके बारे में सब कुछ वो दिदेम को बताती है। आज जब वो काम पर आए तो मर्द काम पर नहीं आता। उसके कॉल का वेट कर रही थी पर मर्द उसे एक भी कॉल नहीं करता। वरीड होकर दिदेम को कॉल करती है। दिदेम के साथ जैनब भी थी। जैनब ने कहा कि सब कुछ बहुत ही फास्ट हुआ, इसी वजह से मर्द शायद तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं होगा। एजरा ने पूरे दिन उसके कॉल का वेट किया पर उसका कॉल आता ही नहीं। इस बात से वो बहुत ही सैड हो गई थी। रात में मर्द भी बहुत ही सैड लग रहा था। वो भी एजरा के बारे में सोच रहा था पर उसकी गर्लफ्रेंड थी। ये बात उसके फ्रेंड्स नोटिस करते हैं। यिगित को लगता है कि ज्यादा बड़ी बात नहीं है। केम ने कहा कि इस बार मुझे कुछ अलग लग रहा है, शायद मर्द उसे प्यार करने लग गया है। इस बात पर वो दोनों बेट भी लगाते हैं। रात में मर्द अपनी गर्लफ्रेंड ऐसे मिलने के लिए गया। उसे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि लाइफ में क्या चीज मुझे खुश करती है? वो कहती कि सक्सेस। मर्द ने कहा कि मेरे हाथ पर एक स्कार है, इसके बारे में तुमने कभी भी नोटिस नहीं किया। उसे कह रहा था कि वो हमेशा बिजनेस की बातें करते हैं, सक्सेस पैसे यही चीजें उनके लिए मायने रखती है, इस तरीके की रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। उन दोनों में फिर झगड़ा हो जाता है। अगले दिन एजरा जब काम पर आए तो मर्द उसकी गर्लफ्रेंड एस के साथ था। मर्द जानबूझकर एजरा को इग्नोर कर देता है। ये देखकर एजरा को बहुत बुरा लगा। वो बाथरूम में जाकर रोने लग गए और ये सब अपनी फ्रेंड से बात करने लग गए। उसी वक्त बाथरूम में एस भी थी। वो समझ जाती है कि उस रात मर्द एजरा के साथ था। एस मर्द को एक इवेंट में लेकर जाना चाहती थी पर मर्द इसके लिए मना कर रहा था। उसे जबरदस्ती ब्लैकमेल कर आने के लिए कहती है। शाम में इवेंट के लिए एजरा भी रेडी होके उनके पास जैनब आती है। वो कहती कि मेरा मेरे हस्बैंड के साथ झगड़ा चल रहा है, वो हमेशा बच्चों के बारे में बात करता रहता है। जैनब माँ बनने के लिए रेडी नहीं थी। दीदी मुझे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे हस्बैंड का कहना भी कुछ गलत नहीं है, उसका जरा एज हो चुका है और इसी वजह से ये बात वो कर रहा है। जैनब और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो फिर अपना मूड ठीक करने के लिए एक जगह पर ड्रिंक के लिए गए। जैनब ने आज रात कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इस वजह से उल्टी करने लग जाती है। उसने कहा कि मेरे हस्बैंड को कॉल कर बुला लो। उसका हस्बैंड वहां पर आता है और उसके गले लग जाती है। इसके बाद वो वहां से चले गए। बाहर आने के बाद दिदेम केम को देखती है। केम किसी और लड़की के साथ था। उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, कहता है कि मैं भी पागल हूँ, मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। वो गुस्से में वॉशरूम के पास चली गई। केम उसके पीछे पीछे आता है। उसे कहती कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? तुम अपने इंटरव्यूज में हमेशा कहते रहते हो कि तुम्हें एक अच्छी रिलेशनशिप चाहिए और हमेशा किसी और लड़की के साथ होते हो। जिस लड़की के साथ कैम था वो लड़की उसके पास आके और उसे ब्रदर बुलाती है। जैसे जाना था तो चली गई। केम दिदेम से कहता है कि अब हमें एक दूसरे के साथ गेम्स नहीं खेलने चाहिए। उसका नंबर मांग लेता है। वॉशरूम से एजरा पार्टी में वापस आती है। वहां पर उसने मर्द और एस को साथ में देखा। उन्हें देखकर उसे बहुत जेलस फील होता है और वहां से चली गई। एस मर्द से कहती है कि वो बेचारी हार्ट ब्रोकन थी, कितना बुरा हुआ उसके साथ। तुम्हारे लिए वो बाथरूम में रो भी रही थी। मर्द को भी इस बात से बहुत बुरा लगता है और वो डायरेक्टली घर पर आ गया। एस कहती कि तुम मुझे इस तरीके से छोड़कर घर पर कैसे आ सकते हो? मर्द उसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं था। घर आकर एजरा बहुत रोती है। अगले दिन एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट के लिए उसे काम करना था तो बहुत अच्छा सा उसने प्रेजेंटेशन बनाया। नेक्स्ट डे उसके जॉब पर उसकी कलीग उसे सब कुछ प्रेजेंटेशन के बारे में बता रही थी। ये सब उसकी कलीग प्रेजेंट करने वाली थी पर वो कहती है कि मुझे एक जगह पर अच्छा जॉब मिला है, तो अब वो वहाँ से जा रही थी। एजरा इस अपॉर्चुनिटी को ले लेती है। क्लाइंट के सामने उसने एक बहुत ही अच्छा सा प्रेजेंटेशन दिया। क्लाइंट को ये बहुत अच्छा लगता है। प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल होने के बाद एजरा वहाँ से रिजाइन कर देती है। गुस्से में अपनी सारी चीजें उसने रख ली और फिर वहां से जाने लग गए। मर्द भी उस प्रेजेंटेशन में था, उसके पीछे भी जाने लग गया। उसे कहता है कि सब कुछ चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी, इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ भी कह नहीं पाया, प्लीज मुझे एक चांस दो। एजरा बहुत ज्यादा गुस्सा थी और वहां से चली जाती है।
उसके साथ जो भी हुआ था इस सब के बारे में वो लिखने लग जाती है। उसने पूरी बुक लिख डाली थी और इसे अलग अलग पब्लिशर को दिखाने लग गई। उसकी जब बुक लॉन्च होती है तो उसके पास ओगुस फिर से वापस आता है। वो कहता है कि तुम्हारी बुक बहुत ही अमेजिंग है, मुझे कभी भी तुम पर डाउट नहीं था, मैंने मेरी फियांसे के साथ ब्रेकअप कर लिया है, मैं फिर से तुम्हें पाना चाहता हूँ। एज़रा उस पर गुस्सा हो गई और उसे स्लैप कर भगा देती है। इसके बारे में मर्ड न्यूज़पेपर में पढ़ता है। मर्ड ने भी अपनी एडवर्टाइजिंग पर बहुत काम किया था। वो प्रोजेक्ट पहले एज़रा का था और उसने भी बहुत अच्छा काम किया था। मर्ड को एक अवार्ड मिलता है। ये अवार्ड लेते वक्त उसने कहा कि ये अवार्ड मेरा नहीं है, एक दिल की बहुत अच्छी लड़की है, ये वो डिजर्व करती है। इस बात की वजह से मर्ड और उसकी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो जाता है। दिदेम ने न्यूज़पेपर पढ़ा। मर्ड ने अवार्ड लेते वक्त जो कहा था वो एज़रा को दिखाती है। दिदेम कहती है कि मर्ड एक्चुअल में तुमसे बहुत प्यार करता है। मर्ड अपने डेस्क के पास बैठा था, वहां पर एज़रा ने उसके लिए जो नोट लिखी थी ये पड़ी हुई थी। वो कहती है कि अगर कोई लड़की तुम्हारे लिए नोट लिखे तो तुमसे प्यार करती है, अगर ये पढ़ते हुए तुम स्माइल कर रहे हो तो तुम भी उससे प्यार करते हो, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ इसका मतलब तुम स्टूपिड हो। ये नोट देखकर मर्ड को बहुत अच्छा लगता है। एज़रा का बुक साइनिंग इवेंट था तो वहां पर मर्ड पहुंच जाता है। जहां पर एज़रा साइन कर रही थी वहां पर मर्ड ने उसे एक नोट दी। मर्ड ने इसमें लिखा था कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं स्टूपिड हूँ, अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए लाइन में खड़ा हूँ इसका मतलब है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर ये नोट पढ़ते हुए तुम्हें एक्साइटेड फील हुआ इसका मतलब है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, अगर तुमने अब तक मुझे पंच नहीं किया इसका मतलब है अभी भी कुछ होप है। ये पढ़ने के बाद एज़रा डायरेक्टली उसे किस कर लेती है, वो भी उससे बहुत प्यार करती थी। इसी के साथ उनकी लव स्टोरी एंड हो जाती है। मूवी एंड होने के बाद हम कुछ मूवमेंट्स देख सकते हैं। दिदेम अब प्रेग्नेंट थी और उसे एक बेटा भी हुआ है। सारे फ्रेंड्स मिलकर बहुत ही खुश थे। दिदेम और कैम भी अब एक रिलेशनशिप में थे। ये गीत अभी भी अलग अलग लड़कियों को ढूंढता रहता था। एज़रा और मर्ड अपने रिलेशनशिप में बहुत खुश थे। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन देने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।